टेस्टोस्टेरोन ये वो हार्मोन है जो मर्द को मर्द बनाता है और औरत को औरत। ये हार्मोन आपके बालों के लिए, दाढ़ी के लिए, सेक्स के लिए, आपके लिंग के लिए, आपकी फर्टिलिटी के लिए, आपके स्पर्म के लिए, मसल मास के लिए, हर चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम हो जाए तो आदमी का आदमी रहना मुश्किल हो जाता है। ये देना। आज हम बात करेंगे टेस्टोस्टेरोन के बारे में। आज हम बात करेंगे तीन मुद्दों के बारे में। पहला कि टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन करता क्या है, टेस्टोस्टेरोन को अगर आपको चेक कराना है, अपना टेस्टोस्टेरोन चेक कराना है तो कैसे चेक कराए, लेबोरेटरी में टेस्टोस्टेरोन की रिपोर्ट्स को कैसे रीड करें, कैसे समझें कि आपका टेस्टोस्टेरोन सही है या नहीं, और समझेंगे कि टेस्टोस्टेरोन के बारे में लेटेस्ट रिसर्च क्या कहती है। जैसे पिछले कुछ समय से ये क्लियर हो चुका है कि टेस्टोस्टेरोन की जो लेवल है, जो टेस्टोस्टेरोन की जो रिपोर्ट है, वो हर आदमी के लिए अलग अलग होती है। जो ये नॉर्मल रिपोर्ट आती है कि 300 से 1000 है तो आप नॉर्मल, ऐसा नहीं है। कई बार किसी मर्द में टेस्टोस्टेरोन 400 हो तो वो भी नॉर्मल हो सकता है, और किसी मर्द में टेस्टोस्टेरोन 1000 हो तो वो भी कम हो सकता है। ये डिफरेंसेस आ जाते हैं दूसरे हार्मोन्स के मेल से, जैसे टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोडियोल रेशियो, टेस्टोस्टेरोन इंसुलिन रेशियो, ये फर्क आ जाते हैं आपके बॉडी कॉम्पोजिशन की वजह से कि आप में बॉडी फैट परसेंटेज कितना है, आपका एक्चुअल लीन मसल मास कितना है, और ये फर्क आ जाते हैं टेस्टोस्टेरोन रिसेप्टर्स, जो आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन के रिसेप्टर्स है जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से प्रोडक्शन करते हैं, उनकी सेंसिटिविटी से। तो ये वीडियो आप जरूर देखिए, अगर आप मर्द है और आपको, आप हेल्दी मेल भी है और आप अपनी लाइफ को पीक जीना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप लंबा जीवन जिए, एक हेल्दी जीवन जिए, तो ये वीडियो टेस्टोस्टेरोन के बारे में आपको बहुत ज्ञानवर्धक हो सकती है, और हो सकता है कि आपको इस वीडियो से ऐसी कुछ बातें पता चले जो जनरली आपको रेगुलर वीडियो से नहीं समझ में आएगी। तो मैं हूँ डॉक्टर विजयंत गोविंदा गुप्ता, मैं हूँ नई दिल्ली इंडिया में एक एंड्रोलॉजिस्ट। एंड्रोलॉजिस्ट मतलब पुरुष रोग विशेषज्ञ। पुरुष रोग के अंदर हम हर तरह का पुरुष रोग, चाहे वो नपुंसकता हो, चाहे वो शीघ्र पतन हो, चाहे वो नाइटफॉल हो, चाहे वो बच्चे ना होना हो, उसका प्रॉपर इलाज करते हैं। और बहुत सारे मरीज आज के दिन हमारे पास टेस्टोस्टेरोन का इलाज कराने आते हैं। ये मरीज वो है जिन्होंने जिम में स्टेरॉइड्स लिए है, ये मरीज वो है जिन्होंने टेस्टोस्टेरोन की कमी होने के कारण अपनी जिंदगी को खराब कर लिया है, ये मरीज वो है जिनका किसी कारणवश टेस्टोस्टेरोन कम हो गया है और उस कारण से वो टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट या टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंटेशन चाह रहे हैं। आज टेस्टोस्टेरोन की ट्रीटमेंट की बात नहीं करेंगे, आज के वीडियो में हम बात करेंगे टेस्टोस्टेरोन की टेस्टिंग और क्यों रिपोर्ट्स नॉर्मल होते हुए भी आपको टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी के सिम्टम अपने शरीर में दिख रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन आंसर चालू करें। टेस्टोस्टेरोन क्या है और पुरुषों के स्वास्थ्य के लिए इसकी क्यों जरूरत है? तो टेस्टोस्टेरोन क्या है और टेस्टोस्टेरोन मर्दों की हेल्थ के लिए क्यों जरूरी है? टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है। हार्मोन मतलब ऐसा एक प्रोडक्ट जो शरीर कम मात्रा में बनाती है। जैसे समझिए कि खाना, खाने में आप बहुत स्वादिष्ट खाना बना लो पर उस खाने में नमक ना हो तो खाना खाया नहीं जाता। उसी तरह शरीर के अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स सब सही है, पर अगर आपको टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन्स, इंसुलिन जैसे हार्मोन, थायराइड जैसे हार्मोन्स कम मात्रा में बॉडी बनाती है पर रेगुलर बनाती है, अगर ये मात्रा कम हो जाए तो बॉडी प्रॉपरली फंक्शन नहीं करती। तो इन हार्मोन्स में से मर्दों का सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। ये आपके टेस्टिस या टट्टों में बनता है, इसलिए इसको टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। ये हार्मोन मर्द को मर्द बनाता है। ये एक हेल्दी मेल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन से आपकी हाइट, आपका वेट, आपका मसल, आपकी शक्ति, आपका मोटिवेशन, आपकी दाढ़ी, आपका मूंछ, आपका मर्दानापन, आपके बच्चे करने की शक्ति, आपकी संभोग करने की शक्ति इसी हार्मोन से आती है। कब एक पुरुष को अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल की जांच करवानी चाहिए? तो नॉर्मली तो अगर आप हेल्दी है, हेल्दी मतलब कि आपका वजन सही है, आपके मसल मास ठीक है, आपको थकान नहीं होती है, आपको कोई सिम्टम नहीं है, तो आपको इस हार्मोन को चेक कराने की जरूरत नहीं है। पर आज के दिन अर्बन लाइफस्टाइल में, सोसाइटी लाइफस्टाइल में मोस्ट पेशेंट्स को टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी, टेस्टोस्टेरोन कमी के सिम्टम्स मिलते हैं। ये सिम्टम्स बहुत कम हो सकते हैं, जैसे थकान रहना। ये सिम्टम्स बहुत मेजर हो सकते हैं, जैसे बाल झड़ना, दाढ़ी मूंछ कम हो जाना, गोलियों का सिकुड़ जाना, बच्चे ना हो पाना, संभोग शक्ति कम हो जाना, पूरे दिन थकान रहना, वजन गिरना, शरीर के अंदर जान न रहना। तो अगर आपको ये कोई भी सिम्टम्स है तो आपको अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल चेक कराना चाहिए। अगर सिम्टम नहीं भी है तो भी आपको 35 से 40 साल की उम्र में एटलीस्ट अपना एक बेसलाइन टेस्टोस्टेरोन लेवल चेक कराना चाहिए, क्योंकि आजकल रिसर्च कहती है कि अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल लो है तो आपको हार्ट अटैक और दूसरी बीमारियां होने का रिस्क ज्यादा है। तो आप हेल्दी हो पर अगर टेस्टोस्टेरोन धीरे धीरे कम हो रहा है तो चेकिंग के लिए एटलीस्ट आपको 35 साल की उम्र में या 40 साल की उम्र में एक बार अपना टेस्टोस्टेरोन जरूर चेक कराना चाहिए।
अगर एक पुरुष दोपहर में अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल की जांच करवाता है तो दिन का समय कितना रिजल्ट की शुद्धता पर प्रभाव डालता है? तो टेस्टोस्टेरोन चेकअप में दो चीज सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला इम्पोर्टेंट टेस्टोस्टेरोन में कि किस समय टेस्टोस्टेरोन चेक कराया जाए। तो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि टेस्टोस्टेरोन को हमेशा सुबह 7 बजे ही खाना चाहिए। ये मिसकंसेप्शन इसलिए है क्योंकि टेस्टोस्टेरोन अपनी हाईएस्ट लेवल पे अपने पीक लेवल पे 7 बजे होता है। तो लोगों को लगता है कि टेस्टोस्टेरोन चेक करा लो सुबह 7 बजे तो रिपोर्ट ठीक आएगी, पर इसमें दो प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम यह है कि सुबह 7 बजे हर आदमी नहीं उठ पाता, सुबह 7 बजे हर टाइम टेस्ट नहीं हो पाता। दूसरा, अगर आप सुबह 7 बजे का अलार्म लगाते हो तो कई बार नींद पूरी नहीं हो पाती, आदमी स्ट्रेस में होता है, इस कारण से 7 बजे टेस्टोस्टेरोन बढ़ने की बजाय कम हो जाता है। और तीसरा, हो सकता है कि सुबह 7 बजे आपका टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल रेंज में हो, मतलब सपोज नॉर्मल वैल्यू 400 है, सुबह 500 है, आपकी रिपोर्ट में 500 आया, हो सकता है कि शाम होते होते आपका टेस्टोस्टेरोन 200 हो रहा हो, गिर रहा हो। तो हम नहीं पता लगा पाते कि आपको सिम्टम शाम को आ रहा है पर रिपोर्ट मॉर्निंग में कराई। तो टेस्टोस्टेरोन की जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, मतलब सबसे पहली रिपोर्ट है, उसमें समय जरूरी नहीं है, हम किसी भी समय जाके अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल चेक करा सकते हैं। अगर वो नॉर्मल रेंज में है और आपको सिम्टम नहीं है तो हम और टेस्टिंग नहीं कराते, पर अगर वो नॉर्मल रेंज नहीं है या कम है और आपको सिम्टम्स है, आपको टेस्टोस्टेरोन की कमी के लक्षण है, तो हम उसको फिर प्रॉपरली मॉर्निंग और इवनिंग में टेस्ट कराते हैं। कैसे जीवन शैली कारक जैसे कि आहार, तनाव या व्यायाम स्वस्थ पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन लेवल पर प्रभाव डालते हैं? तो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो बहुत सेंसिटिव हार्मोन है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर बीवी गुस्सा है तो खाने में नमक कम कर देगी, खाने का टेस्ट खराब कर देगी। उसी तरह अगर आपके शरीर में कोई भी स्ट्रेस है, आपके शरीर में कोई भी गुस्सा है, स्ट्रेस हो सकता है फिजिकल हो, बहुत एक्सरसाइज कर ली, मेंटल हो, बॉस ने डांट दिया, नींद पूरी नहीं हुई, या इवन सिंपल सा स्ट्रेस भी है कि आपको कोई झगड़ा लड़ाई होगी घर में, तो टेस्टोस्टेरोन लेवल डिप हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। नॉर्मली बॉडी रहती है होम्योस्टेसिस में, टेस्टोस्टेरोन कम होता है, पर जैसे आपने एक्सरसाइज शुरू कर ली, नींद ठीक कर ली, तो 2-3 दिन में फिर से नॉर्मल हो जाता है। पर अगर आप क्रॉनिक स्ट्रेस में हैं, आप क्रॉनिकली परेशान हैं, आप क्रॉनिक मतलब लंबे समय से लगातार आपकी दिक्कतें चलती आ रही है, तो डेफिनेटली स्ट्रेस टेस्टोस्टेरोन को बहुत हद तक कम कर देता है। एंड्रोजन रिसेप्टर्स और जेनेटिक विविधता से कैसे एक पुरुष के शरीर में टेस्टोस्टेरोन का प्रभाव होता है? तो बहुत सारे मरीज हमारे पास आते हैं ये बोलते हुए कि डॉक्टर साहब हमारी टेस्टोस्टेरोन की रिपोर्ट तो नॉर्मल आई है, 500 है, 400 है, 300 है, पर हमें सिम्टम सारे, लक्षण सारे हैं, हमको वीकनेस है, जो भी मैंने सिम्टम बताए सारे आ रहे हैं, पर हमारे जो डॉक्टर है वो कह रहे हैं कि टेस्टोस्टेरोन तो रिपोर्ट नॉर्मल है। तो पिछले कुछ समय से ये बात क्लियर हो चुकी है कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल 5 चीजों पर निर्धारित है। पहला, मरीज की एज। 20 साल के मरीज का टेस्टोस्टेरोन लेवल और 60 साल के मरीज का टेस्टोस्टेरोन लेवल सेम नहीं हो सकता, अलग अलग रेंज में होता है। तो हो सकता है कि जिस आदमी की उम्र 60 साल है उसमें 400 नॉर्मल हो, पर जिस आदमी की उम्र 20 साल है उसमें 400 नॉर्मल ना हो। दूसरा है फिजिकल वेट, हाइट और कैपेसिटी। आपका कितना बॉडी फैट है, कितना लीन मसल मास है, कितना एक्सरसाइज करते हैं, कितनी आपकी दिनचर्या है, कितना आपका वेट है, इस पर डिपेंड करता है कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल वैल्यू नॉर्मल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तीसरा है जेनेटिक वेरिएबिलिटी। कुछ लोगों में एंड्रोजन रिसेप्टर, मतलब टेस्टोस्टेरोन एक तो हार्मोन है, एक रिसेप्टर है जिस पे जाके उसको चिपकना है और अपना एक्शन दिखाना है। कुछ मर्दों में ये रिसेप्टर बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, इस कारण से कम टेस्टोस्टेरोन से भी इनको अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, और कुछ मर्दों में ये टेस्टोस्टेरोन रिसेप्टर्स कम सेंसिटिव होते हैं और इस कारण से टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होने के बावजूद भी इनको रिजल्ट नहीं मिलते। तो टेस्टोस्टेरोन रिसेप्टर टेस्टिंग अभी कमर्शियली अवेलेबल नहीं है, पर टेस्टिंग में चला है पता कि रिसेप्टर टेस्टिंग भी एज इंपॉर्टेंट एज टेस्टोस्टेरोन लेवल टेस्टिंग है। टेस्टोस्टेरोन के अलावा कौन से अन्य हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के शरीर में कार्य करने को प्रभावित करते हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कई बार हमें लगता है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल नॉर्मल है तो सब कुछ ठीक है, पर ऐसा नहीं है। अभी नया कॉन्सेप्ट आया है कि जो बॉडी में हमारे हार्मोन है वो एक जूस की तरह है। फॉर एग्जांपल अगर आपने चार फलों का जूस बनाया, आम, संतरा, एप्पल और ग्रेप्स। अब फॉर एग्जांपल आपका सपोज किसी जूस के कॉम्बिनेशन में ग्रेप ज्यादा है और आम कम है तो टेस्ट ग्रेप का ज्यादा आएगा, किसी जूस में आम ज्यादा है संतरा कम है, तो आप इनकी कॉम्बिनेशन में वेरिएशन से 1000 डिफरेंट टाइप के जूस बना सकते हो। उसी तरह हमारे शरीर में जो हार्मोन्स है, इंसुलिन, थायरॉयड, टेस्टोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, ये हार्मोन्स के रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। दो आदमी है सेम हाइट के, सेम एज के, सेम वजन के, एक आदमी में टेस्टोस्टेरोन 500 है पर इंसुलिन हाई है, एक आदमी में टेस्टोस्टेरोन 500 है पर इंसुलिन लो है, तो दोनों में टेस्टोस्टेरोन का इफेक्ट डिफरेंट आएगा। तो अब साइंटिस्ट और डॉक्टर समझने लगे हैं कि सिर्फ टेस्टोस्टेरोन की टेस्टिंग से काफी नहीं है, बाकी हार्मोन्स, एस्ट्रोजन, थायराइड, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, ग्रोथ हार्मोन, इनके लेवल्स भी बहुत जरूरी है टेस्ट करना, देखने के लिए कि मरीज को सिम्टम्स क्यों आ रहे हैं।
यदि कोई पुरुष सोचते हैं कि उनके पास कम टेस्टोस्टेरोन है तो उन्हें क्या लक्षण देखने चाहिए और उन्हें डॉक्टर की सलाह कब लेनी चाहिए? अगर आप हेल्दी है, आपको शुगर नहीं है, बीपी नहीं है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, तो अगर आपको थकान रहती है, शाम को घर आते थकान रहती है, आपको नींद पूरी नहीं आती है, आपको संभोग करने का मन नहीं कर रहा है, आपके लिंग में टाइटनेस नहीं आ रही है, आपका सीमन क्वांटिटी या वॉल्यूम पतला होता जा रहा है, आपके जो है वो श्रिंक होते जा रहे हैं, आप वेट लूज कर रहे हैं, आपके अंदर मसल नहीं बन पा रहा है, शक्ति नहीं रहती है, 20 किलो की पानी की बाल्टी जो पहले उठा लेते तब नहीं उठा पा रहे हैं, आप में ताकत की कमी लग रही है, तो ये सारे सिम्टम्स है टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी के। एक सिम्टम ऐसा है टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी का जिसके बारे में कोई बात नहीं करता और वो है मेंटल। टेस्टोस्टेरोन एक फील गुड हार्मोन है, अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल नॉर्मल है तो आदमी खुश रहता है, काम चलता है, मोटिवेशन रहती है, डिजायर रहती है। लो टेस्टोस्टेरोन से मानसिक प्रॉब्लम आती है, मरीज जिनमें टेस्टोस्टेरोन कम है उनको जल्दी गुस्सा आना, लड़ाई झगड़ा करना, मिसेस से बात ना करना, दोस्तों से मिलना ना, डिप्रेशन की स्थिति, मोटिवेशन ना होना, काम पे ना जाना, पैसे कमाने की इच्छा ना होना, ये सिम्टम भी टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी के हो सकते हैं। टेस्टोस्टेरोन की स्क्रीनिंग टेस्ट्स कितनी सही हैं और क्या पुरुषों को अक्सर फॉलोअप टेस्ट्स की जरूरत होती है अगर उनके शुरू के परिणाम कम या सीमांत हैं? तो टेस्टोस्टेरोन टेस्टिंग एक धंधा है, बहुत सारे लैब्स में टेस्टोस्टेरोन टेस्टिंग प्रॉपरली नहीं होती है। अगर आपने अच्छी लैब से टेस्टोस्टेरोन टेस्ट कराया है तो नॉर्मली रिपोर्ट एक्यूरेट होती है। पर टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जो सुबह शाम ऊपर नीचे होता है, जो स्ट्रेस से ऊपर नीचे होता है, जो नींद से ऊपर नीचे होता है, जो मंथली साइकिल, वीकली साइकिल और सीजनल साइकिल से गुजरता है, मतलब समर विंटर में डिफरेंस है, गर्मी सर्दी में डिफरेंस है, टाइमिंग में डिफरेंस है, तो आप पूरे साल में कौन से महीने में किस टाइम पे टेस्ट करा रहे हो उससे मैटर कर जाता है टेस्टोस्टेरोन का सही लेवल है या नहीं है। तो हम नॉर्मली पेशेंट्स को कराते हैं पहले स्क्रीनिंग लेवल, मतलब एक बार टेस्ट कर लिया, अगर वो 500-600 से ऊपर है तो रिपीट की जरूरत नहीं, पर अगर लो लेवल पे है और पेशेंट को सिम्टम्स है तो नॉर्मली हम 3 बार टेस्टोस्टेरोन टेस्ट कराते हैं डिफरेंट टाइम और डिफरेंट डेज पे, ताकि हमको एक एवरेज वैल्यू मिल जाए और हमें समझ में आएगी मरीज को प्रॉब्लम है भी या नहीं। आज हमने बात करी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की, टेस्टिंग कब कराए, लक्षण और टेस्ट के अंदर क्या प्रॉब्लम्स है या क्या बाधाएं हैं जिस कारण से मरीज अपना सही इलाज नहीं करा पा रहे। इस वीडियो को समझने से आपको समझ में आया होगा कि टेस्टोस्टेरोन लेवल सिर्फ एक बार चेक करने से काफी नहीं है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम से कम 3 बार चेक होना चाहिए। सेकंड, टेस्टोस्टेरोन लेवल आपके शरीर, आपकी उम्र, आपकी जेनेटिक बैकग्राउंड और आपके अदर हार्मोन्स से मैटर करता है, और टेस्टोस्टेरोन की सही इंटरप्रिटेशन के लिए आपको प्रॉपर एंड्रोलॉजिस्ट को दिखाना जरूरी है। तो अगर आप टेस्टोस्टेरोन के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहे तो मेरे चैनल पे टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, सप्लीमेंटेशन और ट्रीटमेंट पे बहुत सारे वीडियोस हैं और आगे भी हम इस टॉपिक पे और डिटेल्ड वीडियोस बनाएंगे। अगर आपको डिटेल्ड वीडियोस चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि हमें साइंटिफिक कंटेंट चाहिए, तो आप चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए। ऐसे वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, रिसर्च लगती है, और जब इन पे व्यूज कम आते हैं तो जो डॉक्टर है उसका मन नहीं करता ऐसे वीडियो बनाने के लिए। हम बार बार मसाला वीडियोस डालते हैं ताकि हमारा कंटेंट चलता रहे, पर अगर हम अच्छा कंटेंट नहीं बनाएंगे तो आपकी जानकारी नहीं बढ़ेगी। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर ये कंटेंटफुल वीडियोस अच्छे हैं तो उनको प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।